रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब दोस्तों का? ठीक हैं। अच्छा, जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो है यार। जो लोग एक्सेल तो इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, उनके लिए मैंने जो है पहले वीडियो जो है अपलोड की है। अब जो है नया टॉपिक हमारा, आज का जो नया टॉपिक है वो वर्ड पे है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना नहीं जानते, उसको इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना है, उनके बारे में चलें चलते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हमारी आज की पहली शॉर्टकट है की है, उसको इस पे अप्लाई करते हैं। और इधर आपने लिखना है, आपको वैसे लिख के बता देता हूँ मैं भी। कंट्रोल करना है आपने, कंट्रोल प्लस करना है ए। इससे आप इधर करेंगे तो ये तो मैंने आपके लिए लिखा है नीचे, तो हमने कंट्रोल प्रेस करना है और साथ इसके ए को प्लस जो है प्रेस करना है, प्लस ए को जो है प्रेस करना है हमने। तो ये जितना हमारा जो है सामने नज़र आ रहा है, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें आप, अब इसको हमने कॉपी करना है जो भी करना है। तो चलें जो है ट्रिक नंबर हमारी दूसरी, पहली तो ये है इसको जो है सेलेक्ट किया है इसे, और ट्रिक जो है दूसरी हमारी जो है की ट्रिक है वो है कंट्रोल सी किया तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ट्रिक नंबर थ्री जो है वो कंट्रोल बी किया तो वो पेस्ट हो जाएगा। चलें आपको बताते हैं, तो चलते हैं। कंट्रोल सी किया जैसे हमने हमने एक नया जो है वर्ड ओपन किया, और इधर कंट्रोल बी किया तो ये पेस्ट हो गया हमारा इधर। चलें चलते हैं, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था वर्ड को उधर ही चलते हैं। इसको क्रॉस करते हैं, ये आपको बताया इसलिए कि आप आसानी से वर्ड को इस्तेमाल कर सकें और इस पे अपना कोई भी काम कर सकते हैं। लिहाजा ट्रिक नंबर जो हमारे पास आज की है फोर, कंट्रोल ए से जो है हमने सेलेक्ट किया था ना इन सब को, इस सब जो है जो हमारे सामने शो हो रहा है पेज, तो जो ट्रिक नंबर फाइव है वो कंट्रोल की प्रेस करना है और साथ एक्स करना है, इसको प्लस जो है इसके साथ एक्स को प्रेस करना है तो ये कट हो जाएगा। लिहाजा हमें ये नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस चले जाएंगे और ये दोबारा हमारे सामने आ जाएगा। कंट्रोल जेड से जो है आपका एक दफ़ा जो वर्क डिलीट हो चुका है तो आपने वापस लाना है, तो कंट्रोल जेड इधर रहते हुए काम कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए हैं गलती से, तो आप दोबारा जो है ना कंट्रोल जेड करेंगे तो आसानी के साथ जो है वापस आ जाएगा कोई भी चीज़। जैसे कि मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और डी कर देता हूँ, ये तो हमारा डी है अभी सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये फॉन्ट आ गया है। तो अभी जो है ये सेलेक्ट किया हुआ तो बैक कर देता हूँ, मेरी सारा चीज़ जो है जाती जो चली गई। अब मैं काम कर रहा हूँ तो अचानक बटन कोई गलती से भी दब गया, तो इसलिए मैं अब जो परेशानी की बात हो जाती है बंदे के लिए जब भी कंप्लीट काम हो तो इस तरह के हालात हमलात हो जाएं। लिहाजा कंट्रोल सेट करना है तो ये वापस आ जाएगा आपके सामने। चलें नेक्स्ट ट्रिक है जो हमारी आज की, तो वो है कंट्रोल को प्रेस करना है और ओ जो है ना उसके साथ, ये हमारे पास ऑप्शन प्रेस करके ओ को, तो ये हमारे पास ओपन जो है डॉक्यूमेंट जो भी फाइलें इधर हमने सेव करनी है, सेव एज करनी है, प्रिंट करनी है, शेयर करनी है, एक्सपोर्ट क्लोज एवरीथिंग जो है इधर भी जो भी चीज़ हमें चाहिए, जैसे जैसे हमने इसको रखना है कहीं सेव करना है वो आसानी से कर सकते हैं। नीचे आपको मैं बताता भी जाऊँ कौन कौन सी ट्रिक हमने यूज़ कर ली है, तो लिहाजा चलते हैं। कंट्रोल हमने यूज़ किया है, सी कॉपी पेस्ट किया है तो कंट्रोल किया है। नेक्स्ट जो है हमारी ट्रिक है
कंट्रोल किया हमने, इस किसको किया कंट्रोल, चले जो है वी को जो है कॉपी, उससे ए सेलेक्ट किया, वी से जो हमने कॉपी किया और सी से जो है वी, सी से हमने कॉपी किया, वी से हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया। चले नेक्स्ट जो है हमारी कंट्रोल, कंट्रोल यार तो बहुत काम की चीज़ है जी। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक थी जो मैंने बताई थी आपको, वो एक्स है, एक्स से जो हम कट्स कर सकते हैं, कट करके तो वो उसको उठा के कहीं बी से जाकर पेस्ट कर सकते हैं आसानी से साथ। जो चले अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 5 है, वो जो भी बताई थी मैंने आपको, कंट्रोल ही करना है, कंट्रोल प्लस करना है हमने, वो करना है। तो ये हमारे पास शो हो रही है जैसे मैंने अभी किया है, देखें आप कंट्रोल को प्रेस करना है और प्लस हो करना है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं। मसलन जिधर हमने सेव करनी है, न्यू फाइल जो है डॉक्यूमेंट का पेज बनाया, न्यू जो है डॉक्यूमेंट ओपन करनी है, जैसे भी करना है आपने आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, और कंट्रोल कर जो है इधर भी कंट्रोल ही है, कंट्रोल करना है साथ इसके करना है, एफ को प्रेस करना है, तो ये हमारे पास ये नेविगेशन ये ओपन हो जाएगा, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, हमें एडिंग देनी है, एडिंग रखी हुई है, पेज रिजल्ट जो है ये पेज सुप्तियाल है, ये एडिंग है, इधर एड रखनी है, जो भी करना है आपने इधर से आसानी के साथ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक जो हमारी आज की है, अगर आपने इसको चेंज करना है, सारे को सिलेक्ट करें कंट्रोल ए के साथ, तो आप फिर जो है कंट्रोल आई कर दें, ये आपके सामने एटलाइज हो चुकी है यार, थोड़ी सी इंग्लिश में बात तंग है इसलिए मामला पेश आ रहे हैं यार। तो चलें आप, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी लिहाजा कंट्रोल ए करते हैं और फिर जो आई को सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आई किया था हमने, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारी आज की नेक्स्ट ट्रिक है वो कौन सी है देखते हैं, चलें आपको बताते हैं कौन सी ट्रिक है। हमने सेलेक्ट किया एक साथ, तो हमने इसको सही वाजा नज़र नहीं आ रहा, तो इसको बोल्ड कर देना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, इस प्लस करना है बी, ये हमें अब वाजा नज़र आ रहा है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं अभी इस तरह ही रहने देते हैं इसको, और इसको जो है ना रोल प्लस बी करना है, तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है आज की वो इसको और वाजह करना है, तो कंट्रोल ए करना है, तो इसका फिर जो है कंट्रोल यू करना है, ये अंडरलाइन हो जाएगा, जितना हमारा काम हुआ है इसके नीचे लाइन आ जाएगी, लाइनिंग लग जाएंगी, और नेक्स्ट ट्रिक है हमारी आज की जो है, आपने कोई लिंक लगाना है, लिंक बनाना है, जो भी करना है, तो आसानी बना सकते हैं इसे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे और प्लस करेंगे के, ये डॉक्यूमेंट जो है इधर एक वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी अप्लाई हो सकता है यही ट्रिक, तो यही ट्रिक जो है एक्सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लिहाजा हमने ये आपको दिखाने के लिए मैं लिंक बनाता हूँ, ये लिंक बन गया, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे ये शो करेगा कि ये लिंक है, ये अब मैं जो है
हाइपरलिंक बना दी है इसने, तो मैं सीधा जो है इसके पास जो इसकी लोकेशन दी हुई है ये देखें, सी में यूज़र है फास्ट लैपटॉप डॉक्यूमेंट टॉप, ये पड़ा हुआ है, ये सारा हमारे पास शो कर रहा है। तो लिहाजा चलते हैं स्क्रॉल प्लस के करें तो ये लिंक शो होगा आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी आज की ट्रिक है वो है आपको अगर मसलन कि सारा सेलेक्ट कर किया तो आपने डिलीट किया तो वेब हो गया चीज, तो इसको वापस लेके आना है कंट्रोल जेड करना है तो ये वापस आ जाएगी आपको सामने नज़र आ रही है आपको ये डॉक्यूमेंट हमारे जो शो रहे हैं। कंट्रोल प्लस करना है जेड, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कंट्रोल प्लस करना है जी को, तो ये रिप्लेस वो पेज जो भी आपने करना है सेक्शन लाइक करना है लाइन बुक मार्क कमेंट करना है इधर जो है फिर टेबल जो भी करना है आपने रिप्लेस करना है। मसलन कि आपकी फाइल जो चली गई है कोई मसला है उस फाइल में कोई नई फाइल मसलन उसको सेव किया हुआ है आपने उसको रिप्लेस करना है उसको चेंजिंग करनी है आसानी के साथ जो है कर सकते हैं। जैसे आपने कंट्रोल करना है ये किस कौन इस पे कौन सा ट्रिक जो है अप्लाई होगा वो बताता हूँ मैं आपको आज। कंट्रोल प्लस जी करें तो ये आप डायरेक्ट इस फाइल जो है ना हमारे पास रिप्लेस वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। चलें ट्रिक नंबर जो है जो अगली हमारी आज की ट्रिक है वो आपको उसके बारे में बताते हैं। आपने कंट्रोल ए के साथ सारे को सिलेक्ट किया तो फिर आपने कंट्रोल करना है एल, एल किया ये आपको चेंजिंग नज़र आ रही है ऊपर ये देखें इधर ये नीचे तो आपको सही नज़र नहीं आ रहा ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ ये ऊपर देखें चेंजिंग नज़र आ रही है। इससे आप जो है ये चेंजिंग कर सकते हैं इसकी ये ऊपर ये जहाँ तीर का निशान आ रहा है ये इधर देखें। चलें जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वो आपको उसके बारे में बताते हैं वो कौन सी ट्रिक है यार। ये कंट्रोल करना है और प्रेस करना है आर को, कंट्रोल किया और प्रेस किया आर को, ये हमें राइट साइड पे ले गया जैसे कि ये देख रहे हैं पहले वो हमें लेफ्ट साइड पे एल से लेफ्ट साइड पे जाता है कोई भी चीज़ हो वो लेके जाएगी ये फॉन्ट को और जो है राइट आर से राइट साइड पे ये देख रहे हैं राइट साइड पे आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट ट्रिक आपको बताते हैं यही कंट्रोल करना है और प्लस करना है ई को, पहले सेलेक्ट करना है सारे को फिर कंट्रोल ही करना है ये दरमियान में आ जाएगा कोई भी चीज़ है आपको खूबसूरती के लिए बेसिकली ये होता है आपको जैसे जो है खूबसूरत बनाना है तो ये वापस मैं ले आता हूँ इसको कंट्रोल किया। अब जो है नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये हमने सेव करना है इसको तो ये हमें डिटेक्ट
ब्राउज़र पे ले आएगा, और जिधर हमने सेव करना है ऑप्शन रखा हुआ है इसके लिए, तो ये हम उधर जाके सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। चले जो है नेक्स्ट ट्रिक आप बताते हैं, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट क्लोज करने हैं तो वो कौन सी ट्रिक आप इस पर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करना है, प्लस करना है W, ये हमारे पास ऑप्शन देगा कि आपने इसको सेव करना है, डू नॉट सेव करना है, या कैंसिल करना है, क्या करना है। लिहाजा अभी हम इस पर काम कर रहे हैं तो हम इसको कैंसिल ही करेंगे। कंट्रोल के साथ सारे को सिलेक्ट करेंगे, और हम जो है कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ इसके वन को प्रेस करेंगे। बेसिकली ये जो लाइनिंग में स्पेस कितनी होगी वो सेट करेगा, सारी जो स्पेस कितनी करनी है हमने ये देखना है। स्पेस जो है फिर कंट्रोल को प्रेस ही करना है और प्लस टू करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, वाजह नज़र आ रहा है। आप तो लाइनें जो है ज़्यादा बड़ी कर दी है, इसने स्पेस डाल दी है काफ़ी। जो नेक्स्ट ट्रिक है यही है, कंट्रोल को प्रेस करना है, जो है फाइव को प्रेस करना है साथ इसके। दोबारा जो है एडजस्टमेंट की है इसने, तो अभी ठीक लग रहा है अपने ख्याल में। यहाँ दोबारा इसको बंद नहीं करें, अभी ठीक हो गया। कंट्रोल कंट्रोल बेसिकली ये स्पेस के लिए है, जितनी स्पेस आपने लाइनों में रखनी है ये उनके लिए है। वैसे तो ये है, इधर ऑप्शन दे रहा है नो स्पेस, हेडिंग वगैरह इधर जाएंगे आपको ये वाजा नज़र आ रहा होगा। इधर स्पेस रखनी है, जो भी करना है आपने, सेटिंग इसकी करनी है, जैसे भी करना है आपने। इधर से करेंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसलिए जो है इधर से इजी होगा आपको, तो काम में आसानी होगी। F12 करें तो ये हमारे जो है सेव एज डॉक्यूमेंट डायरेक्ट जिधर हमने इनको सेव करना है उधर ले जाएगा, विंडो में ले गया हमारे। हमने भी सेव नहीं करना, लिहाजा आपको F12 प्रेस करना है तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट सेव कर लेगा। अगर आपने इधर जो है करेक्ट टाइम लिखना है तो वो कैसे लिखना है, अभी तो आप वैसे लिखेंगे क्या टाइम हो गया है या क्या डेट हो गई है, ऐसे लिखेंगे काफ़ी टाइम लगेगा आपको लिखते हुए। तो आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए जो है ऑल्ट प्लस करना है, शिफ्ट को प्लस करना है, डी। आज की डेट जो है वो हम बासानी वर्ड पे लिखेंगे तो लिखी गई है, अभी हमने जो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी आज की डेट लिखी गई है, लिहाजा टाइम लिखना है तो वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कंट्रोल को जो है टाइम लिखना है तो ऑल्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस करना है, टी। टाइम भी लिखा गया आज का, यार हमारा क्या टाइम हो गया है। शिफ्ट प्लस टी,
चलिए नेक्स्ट ट्रिक है वो आपको उसके बारे में बताते हैं, चलते हैं और कंट्रोल करते हैं। प्रेस, कंट्रोल को प्रेस किया हमने, प्लस किया, शिफ्ट को प्लस एफ किया, तो ये हमारे सामने फॉन्ट ओपन कर देगा। ये इसमें हमें चेंजिंग करनी है, जो भी करना है, एडिंग देनी है, डॉप भी, कोई भी करना है, इसमें चेंजिंग करनी है हमने। कौन सा स्टाइल जो है बनाना है, राइटिंग का क्या करना है, सारा इधर चेंजिंग कर सकते हैं हम। ये हमें कोई भी अभी चेंजिंग नहीं करनी, तो लिहाजा चलते हैं इसको क्लोज करते हैं। तो